सभी को नमस्ते, जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए, गोभी की पराठे। तो गोभी की पराठे बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्ट भी बढ़िया सा रहता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गोभी के पराठे, गोभी को हमने कद्दूकस करने के बाद इसमें हमने छोटा सा टुकड़ा अदरक कद्दूकस कर दिया था और हरी मिर्च दो कद्दूकस कर दिया था। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे अब टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना। तो अब थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, मतलब जो कश्मीरी वाला लाल मिर्च होता है, कम तीखा वाला। और हम थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी भर हल्दी कलर के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिला देंगे मसाले के साथ, स्टफिंग को। स्टफिंग में हमने मसाला मिला के अभी रख दिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस को चाहेंगे। तो गैस में हमने तवा बिठा लिया, तवा अभी गर्म हो रहा है। अभी हम यहाँ पे पराठा बनाएंगे। पहले इस तरह से गोल गोल करके अभी रोटी की तरह बनाएंगे। अभी इसमें स्टफिंग भरेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से स्टफिंग भर गया हमारा, जैसे मोमोस लगता है ना उस तरह का लग रहा है। तो इसको बेल लेंगे हम बहुत ही हल्के हाथ से, चारों तरफ बैलेंस करके बेलना पड़ता है, नहीं तो फटने का चांस रहता है, फिर बढ़िया से बनेगा नहीं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बढ़िया से बेल लिया। अभी हम इसमें तवा में ऐड करेंगे और इसे गैस को फ्लेम को हाई करेंगे। जब भी आप पराठा बनाना, एक चीज का याद रखना है कि गैस की फ्लेम को हमेशा हाई रखना है और आपका बढ़िया से पराठा बन जाएगा। गैस की फ्लेम को लो करोगे तो पराठा खराब होने का चांस बहुत रहता है। अभी इसको पलट के देखेंगे हम। तो एक तरफ अभी हो चुका है, अभी हम इसमें घी ऐड करेंगे। जब भी पराठा बनाओ आप देसी घी का ऐड करना, तो स्वाद और बढ़िया आता है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और इस तरफ भी हम घी लगा देंगे। बहुत ही आसान है, आप घर पे बनाइए गोभी के पराठे। अभी से सर्दी का टाइम है तो गोभी के पराठे बहुत ही बढ़िया लगता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बस गोभी को ऊपर कद्दूकस करना है, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से। और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा फूल रहा है। तो सारे हम इस तरह से पराठा बना देंगे जल्दी जल्दी। तो हमारा लास्ट ही गोभी का पराठा बच रहा है, उसको भी हम बढ़िया से बना रहे। देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल फट नहीं रहा है, पराठे कितना बढ़िया से बेल रहे। एक ट्रिक होता है, बहुत ही हल्के हाथ से धीरे धीरे बनाना है। तो ये हमारा लास्ट पराठा था, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से फूल रहा है। तो इसको हम निकाल देंगे। देख सकते हैं आप हमारा सारा पराठा अभी बन चुका है। अभी उसको टेस्ट करके देखेंगे हमारा पराठा कैसे लग रहा है। तो अभी हम टेस्ट करके देखेंगे पराठा का टेस्ट कैसे हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कितना अंदर स्टफिंग भरा हुआ है, गोभी गोभी है। तो बहुत ही बढ़िया बना है और थोड़ा ज्यादा गरम गरम है। आप देख सकते हैं कितना अंदर से बिल्कुल स्टफिंग भरा हुआ है गोभी के पराठे में।
तो वीडियो अच्छे लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सभी को जय जगन्नाथ, प्रणाम।